आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। वेलकम टू डाउटनेट। आवर क्वेश्चन इज व्हाट इज डीमॉड्यूलेशन। ओके, व्हाट इज डीमॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन का क्या अर्थ होता है और उसका क्या मतलब होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। सो हमें पता है मॉड्यूलेशन मीन्स व्हाट, अगर म्यूजिक और स्पीच हो तो ये जो सिग्नल्स होते हैं वो लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स होते हैं। सो ये जो लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स होते हैं वो लार्ज डिस्टेंस पे ट्रांसमिट नहीं हो पाते। सो अगर ये सिग्नल्स हमें लार्ज डिस्टेंस पे ट्रांसमिट करना होता है तब ये लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल हम सुपर इम्पोज करते हैं हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स पे, मीन्स कैरियर वेव पे, सो दैट वो फ्रिक्वेंसी सिग्नल जो होंगे वो लार्ज डिस्टेंस पे ट्रांसमिट हो सके, और इसी प्रोसेस को हम मॉड्यूलेशन बोलते हैं। सो डीमॉड्यूलेशन का क्या मतलब होता है? सो डीमॉड्यूलेशन जो होता है वो रिवर्स प्रोसेस होता है मॉड्यूलेशन का। ओके, सो डीमॉड्यूलेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन का जो रिवर्स प्रोसेस होता है उसको हम डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं। मतलब जो मॉड्यूलेटेड वेव होती है उसके जो सिग्नल्स होते हैं वो रीगेन करने के प्रोसेस को हम डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं। ओके, सो द प्रोसेस ऑफ रीगेनिंग सिग्नल फ्रॉम मॉड्यूलेटेड वेव Process of regaining signals from modulated wave is called as demodulation. So, जो पहले से modulated wave है उसमें से signals जो regain करते हम, so उस process को हम demodulation बोल सकते हैं। Okay? So, the process of regaining of signal from modulated wave is called as demodulation. So, this is the answer of your given question. Thank you. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।